विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि एफएटीएफ के मामले पर अपोजिशन बेनकाब हुई। मौलाना फजलुर रहमान को भी अब अपोजिशन पर एतबार नहीं रहा। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ वतन वापिस आएंगे। रावलपिंडी में विमेन यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि अपोजिशन का एजेंडा लूटमार है। एफएटीएफ के मामले पर अपोजिशन बेनकाब हुई। अपोजिशन चाहती है कि नैब को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी अपोजिशन पर एतबार नहीं रहा। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान की कोशिश है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। तकरीब के बाद शेख रशीद ने का दौरा भी किया। इस मौके पर साहब ने मीडिया को बताया कि रावलपिंडी में इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। कराची और लाहौर के हालात को देखकर दिल रोता है।